हम जब नए जगह जाते हैं, नया स्कूल जाते हैं, नया शहर जाते हैं या नया नौकरी पे जाते हैं, वहां पे हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं रहता है। मतलब नया है ना, सब कुछ नया है, और हम लोगों से कंपैटिबल नहीं रहते, जगह से कंपैटिबल नहीं रहते, खाना रहन सहन कंपैटिबिलिटी नहीं रहता। बट कुछ दिनों बाद हम एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे एक्वेरियम फिश हमारे जैसे नहीं है। अगर कंपैटिबल नहीं है तो एडजस्ट नहीं होते। अगर हम एक्वेरियम फिश के कंपैटिबिलिटी के बारे में समझना है या जानना है, तो पहले यह समझो कि कंपैटिबिलिटी होता क्या है। कंपैटिबिलिटी का मतलब जब दो स्पीशीज, कोई भी जानवर इंसान, जब एक ही जगह में शांति से रह सके उसको कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। पिछली बार मैंने कंपैटिबिलिटी का वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें मैंने समझाया था कि क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है ताकि हमें समझ में आए कि कौन से फिश किसके साथ कंपैटिबल है। कंपैटिबिलिटी समझने के लिए ना क्विकली पांच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है फिश के बारे में। एक्वेरियम के जो फिश है इनमें एक कुदरती इंस्टिंक्ट होता है, एक स्वभाव होता है, एंड ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, पांच इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, जो बड़ा मछली है वो छोटा मछली को खाएगा। मतलब अगर बड़े मछली के मुंह के साइज से अगर फिश छोटा है या दूसरा फिश छोटा है और मुंह में फिट होता है तो वो खाएगा जरूर। दूसरा, फिश अपने ही प्रजाति के फिश को खा सकते हैं, ठीक है, या मार सकते हैं। टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक बड़ा मेल होगा और एक छोटा मेल होगा तो वो फाइट करेंगे और छोटा यूजुअली मर जाता है। तीसरा, एक्वेरियम में कुदरती फिश है और मैन मेड या इंसानी क्रिएटेड फिश भी है। कुदरती फिश यूजुअली इंसानी फिश के साथ कंपैटिबल नहीं होते, बिकॉज कुदरती फिश का एक इंस्टिंक्ट स्वभाव स्ट्रांग रहता है। इनका बिकॉज ये टैंक ब्रेड है, टैंक में बनते हैं, मैन मेड है, ओके, इनका स्वभाव बदलता है। चौथा, कुदरती फिश में अलग अलग देशों से या प्रांतों से या रिवर्स से जो फिश आते हैं उनका स्वभाव अलग होता है उन रिवर्स के हिसाब से। सो ये यूजुअली कंपैटिबल नहीं होता। पांचवा, मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में, साइज ऑफ द फिश वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अलग अलग रिवर के फिश हो सकते हैं, बट अगर साइज इक्वल है तो वो कंपैटिबल हो भी सकते हैं। ओके, नाउ कंपैटिबिलिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा फिश किसके साथ कंपैटिबल है, ये 100% कभी नहीं होता है। सिचुएशन, आप जो खाना खिलाते हो, उसका एनवायरमेंट, ये सब पे डिपेंड होता है। नाउ बेस्ट कंपैटिबिलिटी क्या है कि एक प्रजाति का फिश उसी के प्रजाति के फिश के साथ रखे, बट फिर भी वहां पे मेल डोमिनेंस टेरिटरी वगैरह, फीमेल बड़ा छोटा ये सब बीच में आता है, फिर भी वो फाइट वगैरह रहता ही है, एंड ये कुदरती चीज है। जनरल एक्वेरियम फिश जो है वो किसके साथ कंपैटिबल होते हैं देखते हैं। मोस्ट कॉमन एक्वेरियम फिश जो है वो गोल्ड फिश है। गोल्ड फिश के साथ कौन सा फिश कंपैटिबल है? गोल्ड फिश के साथ गोल्ड फिश रखना बेटर है, ये सेम प्रजाति। अगर आप लेते हो कॉमेट या कॉमन गोल्ड फिश तो कॉमन गोल्ड फिश ही रखें, फैंसी गोल्ड फिश और कॉमन गोल्ड फिश ना रखें। अगर आप फैंसी गोल्ड फिश लेते हो जैसे ओरंडा है, रेड कैप है, यू नो, और भी वेराइटीज है, रोइंगकिन, यू नो, शुभंगकिन, वही प्रजाति के रखें। फैंसी गोल्ड फिश आप मिक्स कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। सो गोल्ड फिश के साथ वर्कआउट हो जाता है। गोल्ड फिश के साथ आप जो फिश नहीं रख सकते वो है एंजल फिश, बाब्स, सिकलिड्स, ये सब एग्रेसिव फिश। एग्रेसिव फिश और ये मैन मेड गोल्ड फिश, मैन मेड थोड़ा सॉफ्ट फिश, नॉट सो एग्रेसिव। सो एग्रेसिव फिश सॉफ्टर फिश को मारेगा या उसका फिन काटेगा या ऑफ कोर्स मार ही देगा। अरे बोलना ही भूल गया, ये टॉपिक अच्छा है, मजा आ रहा है एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। यस,
तो देन फटाफट लाइक करो, अरे दिखाओ ना अच्छा लगा करके, ठीक है? चलो जल्दी। नो, अगला फिश जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन है, एंजल फिश। एंजल फिश आता है साउथ अमेरिकन रिवर्स से, ओके? तो साउथ अमेरिकन रिवर्स या अमेजॉन रिवर के जितने भी प्रजाति है वो एंजल फिश के साथ कंपैटिबल हो सकते हैं, जैसे कि टेट्राज है, रैसबोरास है, कॉरिडोरास है, प्लेकोज है, ठीक है? रेनबो फिश ऑस्ट्रेलियन है बट फिर भी मैनेज हो सकता है। कुछ कुछ बार्ब्स आप साथ में रख सकते हो, बट बार्ब्स रखना अच्छा आइडिया नहीं है एंजल के साथ। नो, ऑल्सो आप मॉली फिश या स्वॉट टेल्स ये भी रख सकते हैं, एंड एंजल फिश को अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम में रखते हो तो ज्यादा बेटर है। नो, एंजल फिश के साथ बार्ब्स रखना अच्छा आइडिया नहीं है, गोल्ड फिश रखना अच्छा आइडिया नहीं है, सिकलिड्स रखना अच्छा आइडिया नहीं है, ओके? बिकॉज अगेन डिपेंडिंग ऑन अग्रेशन, ओके? एंजल फिश स्लो मूविंग फिश, एंड ये वाले जो फिश है, ओके? गोल्ड फिश को एंजल मारेगा बट सिकलिड्स बार्ब्स एंजल को मारेगा, सो ये कॉमन प्रॉब्लम्स। एक और वेरी पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश जो है स्मॉलर साइज गप्पीज, बहुत कलरफुल, ओके? बहुत सारे बन जाते हैं, बेबीज बन जाते हैं, तो गप्पीज बहुत लोग रखते हैं। गप्पीज आप गप्पीज ही रखें तो बेटर है। गप्पीज, मॉली, स्वॉटेल, प्लाटीज, ये एक कॉम्बिनेशन है, वो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सिमिलर साइज, सिमिलर टेम्परमेंट, सिमिलर मेंटालिटीज, ये ज्यादा अच्छा रहते हैं, सब टॉप फीडर्स है एंड आराम से रहते हैं, ओके? सो नॉट एन इश्यू। अगला पॉपुलर फिश जो एक्वेरियम में रखते हैं वो सिकलिड्स है। सिकलिड्स बहुत कलरफुल होते हैं, इसलिए वो ज्यादा ज्यादा लोग एक्वेरियम में रखते हैं। आप उनको ग्रुप में रख सकते हो, बहुत ही सुंदर कलर्स रहते हैं उनका, ब्लू, रेड, येलो, अमेजिंग कलर्स, ओके? बट सिकलिड्स को सिकलिड्स के साथ रखना ही बेटर है। सिकलिड्स ज्यादातर अफ्रीका से आता है, लेक मलावी या लेक टैंगनिका। यस यस, साउथ अमेरिका में भी सिकलिड्स है, जैसे एंजल फिश सिकलिड है बट उसका टेम्परमेंट अलग है, ओके? उसका इंस्टिंक्ट अलग है। जो अफ्रीकन सिकलिड्स है वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनका टेम्परमेंट अलग होता है, तो सिकलिड्स को सिकलिड्स के साथ रखना ही बेटर है। नाउ कुछ सिकलिड्स आप, जैसे कि ऑस्कर फिश है, बड़ा है, ओके? बट साउथ अमेरिकन, वो अफ्रीकन सिकलिड के साथ मैनेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द साइज, बट सिकलिड्स के साथ दूसरे फिश यूजुअली जल नहीं होते। मलावी सिकलिड्स और टैंगनेकन लेक सिकलिड्स भी मैच नहीं होते, बिकॉज टैंगनेकन सिकलिड्स बहुत डोसाइल रहते हैं, काम रहते हैं, और लेक मलावी सिकलिड्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। सिकलिड फिश के साथ आप जो भी प्लेको वगैरह है, कैटफिश स्पीशीज है, आप रख सकते हो, कॉरिडोरा स्पीशीज रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। जनरली बॉटम फीडर्स, लोचेस आप रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। अगला है बार्ब्स। बार्ब्स इंडियन फिश है, ज्यादातर इंडियन है, इंडियन, श्रीलंकन, एशियन, ज्यादातर बार्ब्स यहां से आते हैं। इसमें बहुत सारे वैरायटीज है, टाइगर बार्ब है, डेनिसोनी बार्ब है, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटीज भी है, बहुत कलरफुल भी है, ओके? ये ऑल ऑफ देम नेचुरली एग्रेसिव फिश, नेचुरल हंटर्स है, पैक में, ग्रुप में हंट करते हैं एंड जनरली एग्रेसिव होते हैं। तो बार्ब्स के साथ आप कोई भी फास्ट मूविंग फिश अगर रखे तो चलता है, बट अगेन सिकलिड्स नहीं रख सकते, गोल्ड के साथ नहीं रख सकते। नाउ बार्ब्स के साथ दूसरे वैरायटी के बार्ब्स रख सकते हो, जैसे एक टाइगर बार्ब रखा, डेनिसोनी बार्ब रखा, चेकरबोर्ड बार्ब रखा या ओडेसा बार्ब रखा, नॉट एन इश्यू। मल्टीपल कलर्स मिलेंगे आपको एंड मजेदार भी दिखेगा। यस, रेनबोज रख सकते हैं आप, एंड बॉटम फीडर्स, लोचेस वगैरह आप रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अगला बहुत यूनिक फिश जो है वो है बेटा फिश। बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल फिन स्ट्रक्चर, उसको साइमीज फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, ब्यूटीफुल फिन्स, एंड वो यूजुअली मेल और मेल अगर आप साथ में रखे, दो बेटा फिश मेल अगर आप साथ में रखे तो वो फाइट करना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसलिए उसको साइमीज फाइटर फिश बोलते हैं। नाउ ज्यादातर उसके साथ छोटे फिश रख सकते हैं। अगर सिर्फ एक छोटे बोल में आप बेटा रखते हो, बोल में फिश रखना अच्छा नहीं है, एक छोटा टैंक होना बेटर है, बट अगर आप रखते हो तो अकेला बेटा रख के बेटर है। बट अगर आप एक टैंक में विद प्लांट्स वगैरह रखते हो तो आप गप्पीज, मॉलीज, ओके, टेट्राज, रैसबोरा, स्मॉलर साइज फिश आप रख सकते हो, वो आराम से रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप बेटा फिश के साथ बार्ब रखते हो तो बार्ब बेटा फिश को मारेगा, सिकलिड बेटा फिश को मारेगा, एंजल बेटा फिश को मारेगा, ये
कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कंपैटिबल नहीं है. नाउ देयर आर अ फ्यू एग्जॉटिक वैरायटीज. डिस्कस, ब्यूटीफुल राउंड साउथ अमेरिकन स्पीशीज. डिस्कस के साथ आप एंजल रख सकते हो, बट एंजल्स जनरली अग्रेसिव हो जाते हैं डिस्कस के प्रति. डिस्कस अगर आप एक ग्रुप में रखते हो, डिस्कस ही रखते हो तो ज्यादा बेटर है. एंड सपोर्टिंग फिश रखते हो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज अगेन साउथ अमेरिकन रिवर, आप बॉटम फीडर्स जैसे कॉरिडोरास, लोचेस, वो रख सकते हो. एंड कुछ कैटफिश नहीं रखना बेटर है, जैसे ऑटोसिंक्लिस कैटफिश अगर आप रखते हो तो डिस्कस के बॉडी पे जो म्यूकस है वो खा जाएगा. ओके, सो इट इज नॉट गुड फॉर द डिस्कस. टेट्रास जैसे कार्डिनल टेट्रा, रमिनोस टेट्रा, रैसबोरास, हार्लिकिन रैसबोरा या गैलेक्सी रैसबोरा, ये सब फिश आप रख सकते हो. छोटे फिश है, याद रखो. अगेन अगर डिस्कस बड़ा हो गया तो छोटे फिश को खाएगा. सो एक साइज देख के आप उसको एडजस्ट करके रख सकते हो. एक्वेरियम फिश में और भी बहुत सारे फिशेज है. सिंपल जो मैंने पांच इंपॉर्टेंट चीजें बताए, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो ज्यादातर आप कंपैटिबिलिटी मैच कर सकते हो. नाउ ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, बना बनाया आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट्स मिलता है जो ऑनलाइन मिल जाता है. आप देख सकते हो कि कौन सा फिश कौन से फिश के साथ कंपैटिबल है नहीं है, एंड आप उसके हिसाब से खरीद सकते हो, आपके एक्वेरियम में डाल सकते हो. नाउ अगेन ये 100% एग्जैक्ट नहीं है. ओके, ये 100% एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज अलग अलग फिश हमारे जैसे ही कुछ टेम्परमेंट्स चेंज होता है. ठीक है, अगर आप लो क्वालिटी खाना खिला रहे हो तो देन एग्रेशन अलग तरीके से होता है, वीकनेस हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो ये 100% नहीं है, बट एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो. नाउ ऑल्सो हमारे एक्वेरियम में कुछ कुछ फिश है, जैसे शार्क. ओके, शार्क फिश हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली कैट फिश है. ओके, एंड बहुत बड़ा होता है, एक्वेरियम के लिए है ही नहीं. सिमिलरली कोई फिश बहुत ज्यादा एक्वेरियम के लिए बिकता है, वो एक्वेरियम के लिए है नहीं. ये सब पॉन्ड के फिशेज है. ओके, अगर आपके पास छोटा पॉन्ड है तो उसमें ज्यादा अच्छा होंगे. एंड अगेन अगर आप कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो दे आर ओके विथ अदर फिश, बट सेम प्रॉब्लम, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाते हैं एंड वो टैंक ही प्रॉब्लम बन जाता है. कंपैटिबिलिटी बड़ा इश्यू नहीं होता है उनके लिए, टैंक और वाटर वॉल्यूम प्रॉब्लम हो जाता है. सो नाउ आपको आइडिया आ गया ना कि कौन सा फिश के साथ रख सकते हैं नहीं रख सकते. अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे कि कौन, अगर आपका कॉम्बिनेशन या कंपैटिबिलिटी ठीक है नहीं है. ओके, जितने भी लोगों ने मेरे से ये पूछा था मेरे कंपैटिबिलिटी वीडियो में या टैंकमेट्स वीडियो में कि सर आप फिश के बारे में ही ज्यादा बताएं, तो ये वीडियो उनके लिए है. मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ देखा, सीखा, जाना, समझा, मजा लिया एंड ऑफकोर्स एंजॉय किया. ठीक है, और भी वीडियोस बन रहे हैं, बनते रहेंगे, आप मजा लेते रहोगे, मैं भी मजा लेते रहूंगा. ओके, एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुद हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. भाई साहब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो, मुझे भी थोड़ा एंजॉयमेंट आने दो. आपका जो सब्सक्राइब और लाइक फ्री होता है बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है. ओके, चलो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय.